साल के अंत में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी रशाकशी का दौर देखा जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बेताब है, तो वहीं कांग्रेस कैसे भी करके सत्ता पर शासन करना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी नेता के बेटे ने सोशल मीडिया पर धमकी दी है। एमपी के दमोह जिले के हटा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक उमा देवी खटिक के बेटे प्रिंस दीप लाल दीप खटिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को गोली मारने की धमकी दी है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी विधायक ने दुख जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने सिंधिया की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बीजेपी नेता उमा देवी के बेटे प्रिंस दीप ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सुन ज्योतिरादित्य, तेरी रगों में जीवाजी राव का खून है जिसने बुंदेलखंड की बेटी झांसी की रानी का खून किया था। अगर उपकाशी हटा में आ गए और इस धरती को गंदा करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लहारी में ही क्या, या तो मेरी मौत होगी या फिर तेरी। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।